नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्वास चैनल में। 8 अप्रैल साल का पहला और बड़ा सूर्य ग्रहण 5 राशियों को करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार। अब रिश्तेदार भी कहेंगे लाओ लाओ मिठाई खिलाइए दोस्तों, क्योंकि 150 वर्षों के इतिहास के बाद 8 अप्रैल 2024 को एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से ये ऐसी 5 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके जीवन के भाग का साथ मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 150 वर्षों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि 8 अप्रैल के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इस सूर्य ग्रहण के बाद 12 में से 5 राशियों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह एक महासूर्य ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक के अनुसार बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और यह समय पूरे 150 वर्षों के बाद आया है। बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को ही चैत्र मास की अमावस्या तिथि भी पड़ रही है, मतलब कि 8 अप्रैल 2024 का सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर सूर्य ग्रहण होने वाला है। और यह 8 अप्रैल के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको 8 अप्रैल मतलब कि सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी दुर्भाग्य गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, माना जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितने भी दैवीय शक्तियां होती है उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है, और सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो यकीन मानिए करोड़ों गुना लाभ पलट करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि 9:12 से जैसे ही ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा, उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के कपाट, पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों? दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, इसीलिए पूरे जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सूर्य ग्रहण का इंतजार करते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वो रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकते, कभी असफल हो ही नहीं सकते, ये कभी असफल नहीं होते। सूर्य ग्रहण के दिन आप को उपाय अगर करना है तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा, और आज की वीडियो में हम आपको उन महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है। और दोस्तों, इन उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आप अपने जीवन में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ये जान लेना जरूरी है, आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दोस्तों जो आपको भूल कर के भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उस गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपने सूर्य ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए
जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि 8 अप्रैल के दिन सूर्य ग्रहण भी यानी कि लग रहा है और 8 अप्रैल के दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि भी पड़ रही है। अब चूंकि अमावस्या तिथि पड़ने से जान लीजिए कि जो चैत्र मास की अमावस्या तिथि होती है, इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि भी बरसती है और ठीक इसके अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाती है, यानी कि सोने पर सुहागा, कई शुभ योग का निर्माण होगा। एक तो अमावस्या तिथि, फिर नवरात्रि का समय और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का लगना अपने आप में खास दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगी। हम आपको जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, और इन उपायों को करने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे रहें, माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिले और वो आशीर्वाद आपको मिले, जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपनी राशि का भी नाम जरूर लिख दीजिएगा। कोई भी उपाय अगर हमें मिलता है तो हम आपके कमेंट में आकर रिप्लाई जरूर दे देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई। तो टोना टोटका जो करेगा तो दोस्तों ये होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते, या वो अपने किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कुछ ऐसी रातें होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन काल लाभ देते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं। और आपने भी हमारे वीडियो में बताए गए वह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपायों को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण शुरू कब हो रहा है, पहले तो ये आप जान लीजिए। सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 8 अप्रैल 2024 को सोमवार के दिन लगेगा और यह सूर्य ग्रहण रात्रि 9:12 से शुरू होगा और रात्रि 2:22 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही इस सूर्य ग्रहण का नवरात्रि पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण उत्तर पूर्वी यानी कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, अंटार्कटिक और अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। चीन, जापान, ग्रीनलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम में दिखाई देगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जो 8 अप्रैल 2024 सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बनने वाली हैं। दोस्तों, बात करें पहली राशि की, तो इस लिस्ट में जो पहली राशि आती है वो है दोस्तों मेष राशि। यह सूर्य ग्रहण मेष राशि के लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से शुभ फलदायक रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आप नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी जॉब में किया गया आपका प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। आपको बता दें कि यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक कार्यों में मजबूती मिलेगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी आपकी, लोगों के प्रति आपको खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही सहयोग की प्राप्ति होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे, नए बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी,
सहयोगियों को सहयोग प्राप्त होगा और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ये आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य की कोशिश कर सकते हैं, आपकी कोशिशें रंग ला सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आपको स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। बता दें कि बैंक में लोन वगैरह मिल सकता है, साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अचानक से आप नए नए धन के स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले, फैसले आपके पक्ष में आएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी, मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी और आप अच्छे कार्य के कारण इसमें प्रशंसा प्राप्त करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। अगली भाग्यशाली राशि है दोस्तों बता दे मिथुन राशि। मिथुन राशि का आपको बता दे कि मां लक्ष्मी कृपा बरसेगी, धन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और पैसे से जुड़े जो भी समस्याएं हैं, अचानक से कहीं ना कहीं से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। मां लक्ष्मी कृपा से आपको विशेष लाभ होगा और चंद ये सूर्य देव की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी, सुधर जाएगी और साथ ही साथ आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों में काफी मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए यह सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से आपको यानी कि बचना भी होगा। साथ ही साथ बता दें कि यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। थोड़ा आपको यहां पर अपने वित्तीय मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको सुख परिणामदायक कहा जा सकता है ये सूर्य ग्रहण। अगली राशि है दोस्तों बता दें सिंह राशि। सिंह राशि को इस दौरान को यानी कि सावधान रहने की आवश्यकता है, साथ ही साथ धन दौलत से संबंधित चीजों का लाभ होगा। अगर आप पैसे कहीं लगाते हैं जैसे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर बना रह सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां आप पर बन सकती हैं, समझने का प्रयास करें। और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें आप अपनी बाड़ी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर हम बात करें अगली राशि की तो तुला राशि। दोस्तों तुला राशि को आप लोगों को धन व्यापार में वृद्धि होगी। संतान को लेकर चिंतित हो रहे जातकों की चिंताएं दूर होगी। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। वाद विवाद आप लोगों के साथ अगर किसी के साथ थे तो दूर होंगे। वरिष्ठ अधिकारी या फिर प्रोफेशनल जो संबंध है अगर बड़े लोगों से, तो उनसे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। संतान के पराक्रम से आप बेहद खुश नजर आएंगे और संतान की तरक्की से भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और बता दें कि धन संबंधित कई चीजों में मुनाफा होगा। पूजा पाठ में आपका अत्यधिक मन लगेगा, यहां तक गुप्त धन आपको भी दिला सकता है ये सूर्य ग्रहण। मां लक्ष्मी कृपा बरसेगी और चंद सूर्य देव की भी कृपा बरसेगी, यहां तक किसी गुप्त धन के चलते आप इसमें करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका बेहद मन लगेगा और आप इसमें अपने सुख सुविधा के साथ धन ईश्वर में धन दौलत में भी वृद्धि करते नजर आएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। दोस्तों साल 2024 में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगली राशि है जिनको सावधानियां बरतनी है। दोस्तों बता दें कि मीन राशि को आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, दुर्घटनाओं से बचना होगा। लेन देन किसी से ना करें, लेन देन के मामले में सतर्कता बनाए रखें। कर्जों से बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है। धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे, बिना जॉब किए बिना व्यवसाय किए भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसमें कोई भी कार्य सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मनमुटाव अगर है तो उनसे मनमुटाव खत्म करने का प्रयास करें। किसी से धोखा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको सावधान रखने की जरूरत है।
आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के दौरान कई ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, कई ग्रह राजयोग और धनयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको मेहनत भी करने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, चलिए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद माँ लक्ष्मी जी और सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं, चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि नुकीली चीजें ना छुए, लेकिन जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल से जरूर पूरे घर को स्वच्छ बना ले, यानी कि छिड़काव करें, और खुद नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं तो पूरा जीवन आपका अच्छा होता है। साथ ही दान दक्षिणा करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। दोस्तों, इस दिन चूंकि अमावस्या भी पड़ रही है और सूर्य ग्रहण भी है, तो इस दिन रात्रि में आप 1 रुपए का सिक्का रात्रि में जरूर आप बाहर यानी कि खुले आसमान के नीचे रख दें और उसके पास एक दीपक जला दें, और फिर इस सिक्के को आप अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही लेकर आएं और लाल कपड़े में रख कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें, तो माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी भी आपके धन में कमी नहीं होती। इस दिन एक उपाय और करें। अवश्य की रात्रि है और सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो आपको 5 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 2 इलायची आप क्या करें, एक लाल कपड़े में रखकर माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें और फिर बाद में इसकी पोटली बनाकर धन के स्थान पर तिजोरी में आलमारी पर रख दें। इतना धन बरसेगा इसकी संभाल नहीं पाओगे। चूंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रख लें और आप इसे पूजा स्थान पर रख दें तो घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। सूर्य ग्रहण के दिन आप गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन आप हल्दी से मिले और थोड़ा सा नमक भी 1 चुटकी जरूर डालकर नहाए, और 1 चुटकी नमक आप पोछा वाले पानी में डालकर ही पोछा लगवाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट में जरूर अपनी राशि का नाम लिख दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।